तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोकारो स्पेशल में। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँ कुछ कमाल धमाल कैशबैक ऑफर्स के बारे में। तो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँ गूगल पे के अनलिमिटेड रेफर ट्रिक के बारे में, कि कैसे आप एक ही डिवाइस से बहुत सारे अनलिमिटेड रेफर कर सकते हैं। बस आपको जरूरत पड़ेगी बहुत सारे नंबर्स की। तो अभी एक गूगल पे में ऑफर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आप रेफ़र करते हो अपने दोस्त को तो आपको मिलेगा 111 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक यहाँ पे जीतने का मौका। तो ये अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है गूगल पे की तरफ से। और अभी इस टाइम अगर आपको कोई एक अनलिमिटेड रेफर मिल जाता है, अनलिमिटेड रेफर ट्रिक, तो क्या बात है। तो दोस्तों, इस अनलिमिटेड ट्रिक को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको एक नया नंबर चाहिए, उसके बाद आपको एक पेटीएम का सेविंग्स अकाउंट चाहिए और एक जीमेल अकाउंट चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप इस लूट ट्रिक को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों इस ट्रिक का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। आपको क्या करना है, आपका एक सेविंग्स अकाउंट, मैंने कहा पेटीएम का, आपको जुगाड़ करना है। उसमें आपको एक नया मोबाइल नंबर ऐड करना है, यानी कि जो पुराना नंबर है उसको डिलीट करके आपको एक नया नंबर रजिस्टर करना है उसमें। उसके बाद जब उसको रजिस्टर कर लोगे नया नंबर को, अब वो जो पेटीएम अकाउंट है उसका नंबर चेंज हो गया। अब उसको आप जब गूगल पे में रजिस्टर करोगे तो गूगल पे वालों को लगेगा कि ये नए अकाउंट रजिस्टर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो रेफरल का अमाउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना वो वाला पेटीएम अकाउंट लॉगिन कर लो जो मैंने अभी आपको जुगाड़ करने को कहा। उसको लॉगिन करने के बाद उसके प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ जाओ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट फ़ोन नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, उस पर टैप करो। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिर से शो करेगा, तो उस पर टैप करो। और उसके बाद यहाँ पे आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आप अपडेट करना चाहते हो, यानी कि ये वाला नंबर आपको डिलीट करना है और नया नंबर जो मैंने अभी आपको जुगाड़ करने को कहा था उसको यहाँ पे डालना है। तो उसको जैसे आप यहाँ पे डाल दोगे, आपके नए वाले नंबर और पुराने वाले दोनों नंबर पे OTP जाएगा। तो जैसे जैसे OTP जाता है दोनों को आप इंटर करना। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपका आधा काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गूगल पे को ओपन कर लो, उसके बाद अपना लिंक जो है रेफरल लिंक उसको कॉपी कर लो। तो कॉपी करने से क्लिक करना है यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लो, ठीक है। उसके बाद आप एक किसी भी नंबर पे अपना जो है सेंड कर दो लिंक। तो यहाँ पे मेरा एक पुराना नंबर है तो उसमें मैं सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना लिंक जो है वो सेंड कर दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें इनेबल करना है। तो यहाँ पर हमें सेकंड स्पेस को जो है इनेबल करना है, तो हम यहाँ पे सेकंड स्पेस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड स्पेस क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गो टू सेकंड स्पेस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, सेकंड स्पेस को सेटअप करने के बाद आप कुछ इस तरह का स्क्रीन यहाँ पे शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नया जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। जो जीमेल आईडी मैंने आपको शुरू में बनाने को कहा था उससे यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो मैसेज आपको सेंड करने को कहा था मैंने, तो मैसेज बॉक्स में वापस से जाओ और उस मैसेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। तो ब्राउज पे क्लिक करो, आप यहाँ प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ आपको गूगल पे को इंस्टॉल करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, नया वाला मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो अभी आपने पेटीएम में ऐड किया, जिन्हें मैंने कहा था ना पुराना वाला नंबर रिमूव करके आपको नया वाला नंबर ऐड करना है। तो वो नया वाला नंबर आप यहाँ पे डाल दो। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो नया वाला जीमेल अकाउंट जो मैंने बनाने को कहा था उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका OTP वगैरह वेरीफाई करके आप इसको कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना पेटीएम अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, पेटीएम सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे पेटीएम सेविंग्स बैंक अकाउंट आप ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे UPI पिन वगैरह सेटअप करने को कहा जाएगा, तो उसको भी आप सेटअप कर लेना। उसके बाद जैसे आपका अकाउंट ऐड हो जाता है, तो अकाउंट को ऐड करने के बाद आपको किसी भी एक नंबर पे यहाँ पे मिनिमम 1 रुपीज़ सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ 500 रुपीज़। आप चाहो तो जितना भी सेंड कर सकते हो, मिनिमम 1 रुपीज़ है, तो उससे ज़्यादा भी सेंड कर सकते हो और कम भी सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अमाउंट इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे भी क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू पे भी क्लिक करते हो आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको अपना UPI पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो अपना UPI पिन इंटर कर दोगे तो आपका जो पैसा सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें सक्सेसफुली सेंड कर दिया और रिसीव भी कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्क्रैच कार्ड भी मिल गया। तो चेक करते हैं हमारे स्क्रैच कार्ड में हमें कितना जो है बैलेंस मिला है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसके स्क्रैच कार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो 927 रुपये मिले हैं। तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इस ऑफ़र में आपको 111 रुपीज़ से लेकर आपको जो है वो 1000 रुपीज़ तक का आपको कैशबैक मिल सकता है। तो आप इस ऑफ़र को ट्राई करो, इस ट्रिक को ट्राई करो और आपको जो है वो हर सक्सेसफुल रेफर पर आपको जो है 111 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक का कैशबैक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को बार बार करने के लिए आपको सेटिंग्स में आ जाओ। सेटिंग में आने के बाद सेकंड स्पेस पर क्लिक करो और यहाँ से ऊपर में डिलीट ऑप्शन है सेकंड स्पेस को डिलीट करने का, तो यहाँ से आप डिलीट करो। डिलीट करने के बाद आपको फिर से क्रिएट करना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस मैंने बताया उसको आप वापस से अगर दोहराओगे तो आपको बार बार आप रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो। आपको कोई भी सवाल सुझाव या कमेंट हो तो कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कमाल धमाल कैसे कॉपर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।